दोस्तों, बजाज डिस्कवर एक ऐसा ही नाम है जिसका कोई भी इंट्रोडक्शन देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी कम्यूटर बाइक है जो आपको थोड़ा बहुत पफा है 125 cc या फिर अबव सेगमेंट में जो पहले आया करता था। एंड ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है अगर आपका बजट कम है और आपको डेली रनिंग के लिए एक अच्छा सा लो मेंटेनेंस वाला गाड़ी चाहिए, तो ये आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, ये जो कलर है ये एक अलग सा कलर आया हुआ है, इसे कहते हैं ब्लैक विद ग्रे डिकैल्स, और ये वाला कलर मैं आज डिस्कवर का रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि मैंने 110 का एक पहले भी रिव्यू बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में दे दूंगा। एंड जब मैं इसका 125 सीसी का यही कलर रिव्यू किया था, तब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 110 सीसी में अगर ये कलर आ जाए तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूँ। तो दोस्तों, एक बात के लिए मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ये रिव्यू करने गया था शोरूम में काफ़ी भीड़ था, शोरूम मेरे घर से 15 किलोमीटर्स दूर है, तो थोड़ा सा भीड़ में मुझे ये करना पड़ा था क्योंकि शोरूम में काफ़ी भीड़ था, लोग काफ़ी बिजी थे और बाइक यहीं पे मुझे करना पड़ा था। तो दोस्तों, आप खुद बाइक का कंप्लीट मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल मीटर्स, डिजिटल एनालॉग कंबाइंड मीटर्स इसमें है। एंड इसका जो स्विच गियर है वो भी बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का है। सामने जैसे आप पहले ही देखें, हेडलैम्प में आपको LED DRLs मिल जाता है, जो कि अगेन आपका जो बैटरी है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है उसे कम से कम कर देता है, क्योंकि दिन में आपको हेडलाइट जलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड एक हेडलाइट स्विच भी दिया गया है ताकि आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सके। कन्वेंशनल हैंडल बार से रेज्ड हैंडल बार्स ताकि आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका फ्यूल टैंक की बात करें तो 8 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। एंड सीट यहाँ पर काफ़ी अच्छा और ब्रॉड सीट्स दिया गया है ताकि 2 से 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर पीछे की बात करें तो बेजल लाइक टेल लैंप्स इसमें हैं और शॉर्ट इंडिकेटर्स, यानी कि ज़्यादा लंबे इंडिकेटर्स ना देकर इसका एक्सीडेंट जो है वो रोकने के लिए छोटा इंडिकेटर्स, कॉम्पैक्ट लुकिंग इंडिकेटर्स इसमें हैं। एंड दोस्तों, अगर हम इसके इंजन के बात करें तो इंजन एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DTSI 115.45 सीसी का इंजन है। ये सेम इंजन है जो कि इससे लेकर बजाज प्लैटिना 110 में भी यूज़ होता है। इसका जो पावर है वो 8.6 PS है एंड इसका टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर्स। DTSI टेक्नोलॉजी अगेन बजाज का पेटेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 स्पार्क प्लग्स का यूज होता है और ये आपको अच्छा पावर एंड माइलेज दोनों ही देने में कामयाब रहता है। दोनों ही तरफ दोस्तों आपको ट्यूब टायर्स मिलेगा एंड सामने 2/75/17 और पीछे 3/17 का टायर्स आपको मिल जाएंगे विद स्पाइडर अलॉय रिम्स, जो देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है। एंड अगर दोस्तों हम इसका सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक 140 mm ट्रैवल वाला सस्पेंशन एंड पीछे नाइट्रॉक्स गैस फील्ड सस्पेंशन दिया गया है। तो पीछे का सस्पेंशन, जैसे बजाज का कहना है कि 16% लॉन्गर है, जो आपको एक आरामदायक राइड देने में कामयाब रहेगा। अब दोस्तों, हम अगर इसका ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सामने आपको 130 mm एंड पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साइलेंसर के ऊपर भी क्रोम प्लेटिंग मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्रीमियम सा लुक दे देता है इस बाइक को। एंड अगर दोस्तों पीछे से देखें तो पीछे से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा है, स्पाइडर अलॉय रिम्स होने के लिए ये देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश होता है। डिस्क ब्रेक का ऑप्शन अभी तक नहीं है, तो बजाज का कहना है कि अगर वो ये समझे कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो वो इसमें डिस्क ब्रेक भी इंक्लूड कर देंगे। अब दोस्तों, हम अगर इसका हेडलाइट्स और टेल लैंप्स की बात करें तो हर एक जगह पे आपको बल्ब लाइट्स मिलेंगे, बस सामने LED DRLs मिलेंगे। एंड मेन इसका है माइलेज। अगर हम इस तरह के बाइक का रिव्यू करते हैं तो मेन जो पॉइंट में फोकस आता है वो इसका माइलेज। तो दोस्तों, इससे आपको आराम से 65 से लेकर 70 किलोमीटर्स का माइलेज मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से सिटी और हाईवे मिला के राइड करें तो 65 से लेकर 70 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। एंड इसका जो सीट हाइट है वो 805 mm है, जो कि इंडियन राइडर्स के हिसाब से ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, जो कि अगेन इंडियन रोड के जो स्पीड ब्रेकर से वो पार करने में आपको काफ़ी ठीक ठाक साइज दिया गया है। अब दोस्तों, हम अगर इसका एक्स शोरूम की बात करें तो कोलकाता में इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 52,134 rupees है। तो 52,000 एक्स शोरूम से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाइक कितना वैल्यू फॉर मनी दिया गया है बजाज की तरफ से। एंड बजाज बाइक्स हमेशा से ही वैल्यू फॉर मनी रहता है। आप अगर इसको हर सर्विस ठीक से कराएं, मेंटेन ठीक से करें, तो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक, 1-1.5 लाख किलोमीटर तक ये आपको अच्छी तरह का सर्विस देने में कामयाब रहता है।
तो दोस्तों यही था एक छोटा सा रिव्यू, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी कॉमेंट्स आप नीचे डाल सकते हैं, थैंक यू।